नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला और आज आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो संपन्न हुई है, इससे जो प्रश्न आपके गलत हुए हैं, आपके मतलब कि जो आयोग की तरफ से गलत हुए हैं, भर्ती बोर्ड की तरफ से गलत हुए हैं, उन गलत प्रश्नों को क्या सभी बच्चों को बराबर नंबर मिलेगा या फिर एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग नंबर मिलेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मैंने देखा है बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे बच्चे इस गलत मिथ्या में है कि सभी को बराबर नंबर मिलेगा, लेकिन नंबर जो मिलेगा वो इस फॉर्मूले से मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या जो हमारे क्वेश्चन गलत हुए हैं, जैसे अगर बात किया जाए तो 30 की सेकंड शिफ्ट में मैथ और रीजनिंग को केवल मिला लिया जाए तो 6 प्रश्न साफ साफ गलत हैं, तो क्या इनसे कट ऑफ कम जाएगी या कट ऑफ ज़्यादा भी हो सकती है, तो इस वीडियो में सब कुछ हम लोग समझेंगे। चैनल पर अभी नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और अभी पुराने भी हों लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक सबसे बेस्ट एनालिसिस, सबसे सटीक जानकारी और सबसे बेहतरीन तैयारी कराने वाली टीम में से परीक्षा प्लस आपके लिए सबसे पसंदीदा टीम बनने वाली है, यह बात समझ लीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं, एक ऐसी चीज जानते हैं जो आपको जनरली कोई नहीं बताता है, और यह है नॉर्मलाइजेशन के बारे में। मैंने इससे पहले वीडियो बना दिया था कि किस शिफ्ट में कैसा फायदा होगा और नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। जो लोग गलत बता रहे थे उनको भी मैं करेक्ट करके आपको बताया था। अब आते हैं कि अगर कोई किसी शिफ्ट में प्रश्न आयोग की तरफ से गलत हो जाते हैं, क्योंकि देखिए अभी आपका पेपर हो गया, अब आयोग आपको 2-3 दिन में आंसर की दे देगी, हालांकि अब तक दे देना चाहिए था, बट फिर भी हो सकता है थोड़ा लेट लपाट हो, बट इस सप्ताह में या अगले सप्ताह में आपके पास आंसर की आ जाएगी, और आंसर की आने के बाद आप वहां पे ऑब्जेक्शन करेंगे। और उन्होंने यही लिखा है कि लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्नों उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिस पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा, और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण इस माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका फलाना के द्वारा इस फॉर्मूले के आधार पर किया जाएगा। तो एक चीज समझिएगा कि भाई जो प्रश्न गलत हुए हैं वो सभी बच्चों को, ऐसा नहीं है कि अगर किसी शिफ्ट में 6 प्रश्न गलत हो गए तो 12-12 नंबर सारे बच्चों को मिल जाएगा। अगर 12-12 नंबर सारे बच्चों को मिल जाता तो ये तमाम बच्चे जो कमेंट किए हैं इनकी व्यथा समझो, और ये सबसे सटीक जो एक बच्चा ना बच्चे ने अभिषेक कटियाल जो भी नाम हो इसका, इसने एक बात बोली और इसको कमेंट में देखो कि 30 की सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग और मैथ मिलाकर 6 क्वेश्चन गलत हैं, और वो भी बेसिक क्वेश्चन थे, सभी ने अटेम्प्ट किए होंगे और उन गलत क्वेश्चन को करने में 10 से 12 मिनट सभी का बर्बाद हुआ होगा। अब इस समय की भरपाई क्या आयोग करेगा, तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही उठता है कि भाई ये बात सही है कि जिस शिफ्ट में प्रश्न गलत हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा और कॉमन क्वेश्चन है तो बच्चा उसे ट्राई करता है, बच्चा ट्राई करता है तो उसे एक बार में नहीं लगता, फिर उसकी पैनिकनेस बढ़ती है, घबरा जाता है वो कि अरे यार मुझसे लगा क्यों नहीं, वो दोबारा फिर ट्राई करता है और दोबारा फिर ट्राई करता है तो आंसर फिर नहीं मैच करता, क्योंकि एग्जाम टेम्परामेंट में इतना दिमाग नहीं काम करता कि भाई यह क्वेश्चन गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है। हालांकि मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो तो स्किपिंग रूल आपको आना चाहिए, आपको अगर एक बार में नहीं आया तो उसे छोड़ के दोबारा आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। लेकिन जब एक ही शिफ्ट में 6-6 प्रश्न गलत हो तो एक होगा बच्चे को एक क्वेश्चन पे डाउट होगा, दूसरा फिर गलत, तीसरा फिर उसका उत्तर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में उसकी जो मनोदशा होगी वो खराब होगी और उसके ओवरऑल अटेम्प्ट पे फर्क पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है उसका स्कोर भी कम होता है, और ये अधिकतर बच्चों के कारण होता है। और क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया सारे बच्चों को कंसीडर करके किया जाता है, एक एवरेज मार्क करके किया जाता है, तो इसका असर कट ऑफ पे पड़ेगा। अन्य भी मैंने पिछली वीडियो में आपका जो नॉर्मलाइजेशन वाली वीडियो था, कौन सा आसान और कठिन शिफ्ट वाली वीडियो मैंने आपको बताया था, एक रॉन्ग कट ऑफ वाली वीडियो बताया था उसमें, तो उसमें मैंने आपसे ये बोला था कि आपके जो भी शिफ्ट में प्रश्न गलत हुए हैं आप उनको कमेंट कर दीजिए। आप में से कुछ चुनिंदा बच्चों ने ही केवल कुछ क्वेश्चंस को कमेंट किया था, जैसे एक बच्चा ये था, एक हेक्सागन क्रॉस सेक्शन वाले क्वेश्चन को किया था, और एक बच्चा ये 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में इसे कमेंट किया था। तो भाई आप लोग अगर ये अपने शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पे डाउट लगते हैं तो आप बता दोगे, उससे पहले पे रिसर्च हो जाएगा और जिस समय आंसर की आएगी आपको मैं बता दूंगा कि भाई ये आपको ऑब्जेक्शन देने वाला है, इस पे आपको उत्तर मिलेगा वरना आपका नुकसान हो जाएगा। तो वो सारे बच्चे आप लोग कमेंट कर दो कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत है। बाकी यहाँ पे कमेंट देखें, एक बच्चा पूछा अगर एक्यूरेसी 80% से अधिक हो तो फायदा होगा, मान लीजिए
130 में से 110 प्रश्न ठीक हों तो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन और जो यहाँ पे नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें किस प्रकार का फायदा होगा। तो आते हैं हम लोग एक एक चीज समझते हैं और कैसे फायदा नुकसान होगा इस चीज को समझते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि अगर आप कट ऑफ एनालिसिस यहाँ पे देख रहे हो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कोई बोल रहे 50,000 का आंकड़ा है, कोई बोल रहा है मेरे पास 30,000 का आंकड़ा है, कोई बोल रहा है 35,000 का आंकड़ा है। मैं इतनी बार आपसे बोला कि भाई फॉर्म भर दो, फॉर्म भर दो, लगभग हर दिन एक वीडियो में आपको मैं बोलता हूँ कि फॉर्म भर दो। अभी फिर से बोल रहा हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक लगी है गूगल फॉर्म का, जहां पे आपको ये डेटा फिल करना है ताकि बहुत बेहतरीन एनालिसिस हो पाए। और मैं आपको सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से दिखाता हूं, ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई डेटा आपको बता देता हूं। आप यहां पे देखोगे तो ये मैंने जो आपको यहां पे लेके आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम कट ऑफ रिस्पांस, इसमें ओवरऑल आप सारे तारीख को देखोगे, सारे शिफ्ट को देखोगे और ओवरऑल जो आपका यहां पे एवरेज जा रहा है वो एवरेज कितना जा रहा है, वो एवरेज आपका 202 नंबर जा रहा है। कितना एवरेज जा रहा है? 202 नंबर। मतलब कि अभी तक मेरे पास जो भी आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों में, बहुत ज्यादा संख्या में तो आंकड़े नहीं है, लोग 50,000 बोल रहे हैं उस हिसाब से तो मेरे पास उनका 20% भी आंकड़ा नहीं है, हकीकत से देखा जाए 15% भी आंकड़ा ढंग से नहीं है। तो 50,000 तो बहुत ज्यादा उनके पास आंकड़ा हो गया, लेकिन जो मेरे पास आंकड़े हैं और ये एक सफिशियंट आंकड़े भी होते हैं, इतने कम भी नहीं होते, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा होता तो और मजा आता। आप सारे शिफ्ट का देखोगे तो औसत कितना गया है, 202 गया है और ये पूरे स्क्रीनशॉट आपके सामने है, आप सब कुछ देख सकते हो, उसमें कुछ भी ऐसा छुपा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी गलत है। और ये सारे बच्चों उल्टा सीधा जो मार्क्स दिए हैं उसे थोड़ा बहुत करेक्ट करके ही मिलाया हूं। आप देखिए कि जो बच्चों की मैंने इसे सॉर्ट किया है कम से ज्यादा की तरफ, बच्चा जो 123 मिनिमम बच्चा जो स्कोर अपना डाल रहा है, जो फॉर्म भर रहा है उसका मिनिमम स्कोर 123 है। आप ये सोचो कि क्या कोई बच्चा 123 से कम नहीं पाया होगा, कोई 120 भी पाया होगा, कोई 115 भी नंबर पाया होगा, कोई हो सकता है 100 नंबर से भी कम पा रहा हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, क्योंकि कुल मिला के 35 लाख बच्चों ने पेपर दिया है तो 100 से कम नंबर वाले भी बच्चे होंगे, ये बात आप समझ में दिमाग में रखिएगा। तो वो डेटा यहां पर नहीं दिया जाता। ऐसे ही अगर मैं दूसरा आपको आंकड़ा दिखाऊं कि ज्यादा से, मतलब कि वो आंकड़ा दिखाऊं जो सबसे हाईएस्ट वाला आंकड़ा हो, अगर सबसे हाईएस्ट वाला आंकड़ा आप देखोगे तो यहां पे है, और सबसे हाईएस्ट जो मुझे अभी तक आंकड़ा मिला है वो अगर यहां पे देखोगे तो कितने हैं, ये 251 251 253 256 258। एक बच्चे ने 309 भी बताया, तो भाई 309 तो किसी कीमत पे नहीं होगा, ये बात आपको भी पता है, ये केवल गलत है। और इसे भी धीरे ढंग से कैलकुलेट करोगे तो बहुत सारे बच्चों की गलती होगी। मतलब मेरे पास अभी जो भी 8-10 हजार आंकड़े हैं उनमें से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो 260-265 से ज्यादा आपका स्कोर बताया हो। इसका मतलब ये कि अगर 260-265 से ज्यादा स्कोर कोई बच्चा बताए, 260 भी मुझे सही रूप से नहीं दिख रहा है, तो कौन कहता है कि एवरेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जाएगा। ये केवल मिथ्याएं हैं, जो डेटा आपके सामने है आप उस डेटा पे थोड़ा सा भरोसा करने का प्रयास करो, और ये सब कुछ आपके सामने है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। और अगर कोई है तो मुझे कमेंट में आप लोग अपना स्कोर बताइए, मैं देखूं सारे बच्चे तो देखें कि भाई इतने सारे बच्चे जब स्कोर कमेंट कर रहे हैं। देखिए आप जब कमेंट करते हैं अपना स्कोर तो मैं उसको इस डेटा में जब फाइनल कट ऑफ बनाऊंगा तो मैं उसको इंक्लूड भी करूंगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने स्कोर, अपनी शिफ्ट, अपनी एग्जाम डेट और अपना स्कोर क्या करिए वीडियो में कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले और मैं उस डेटा को लेकर चलूंगा। और यह भी आइडिया लग जाएगा कि क्या वाकई में जो बोल रहे हैं 260 270 280 वाले, कोई ऐसा बच्चा है जीवित रूप में कि नहीं है, या फिर केवल मन का भ्रम है। तो नहीं है, डेटा यही बता रहा है और मेरे पास सारे आंकड़े। अब तो मैंने बताया ओवरऑल, आप देखोगे कट ऑफ ओवरऑल एवरेज कितना जा रहा है, 202 जा रहा है। अगर हम लोग बात करें 23 तारीख का, मैं शिफ्ट वाइज अभी नहीं लाया हूं, अभी मैं कितना लेके आया हूं, अभी मैं आपका बात किया जाए तो यहां पे 23 तारीख की बात किया जाए तो 23 तारीख में अगर आप एवरेज देखोगे तो 23 तारीख में एवरेज 196 जा रहा है। मतलब ओवरऑल एवरेज 202 है और 23 में 196 एवरेज की बात कर रहा हूं। और ये एवरेज क्योंकि डेटा कौन बच्चा दिया है, डेटा वो बच्चे दिए हैं जो चेक करना चाहते हैं कि भाई मैं सेफ जोन में हूं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मतलब ये समझिए कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वही डेटा देते हैं। जो ये मान लेते हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होना है, 100 से कम नीचे हमारे, वो डेटा नहीं देते, लेकिन भर्ती बोर्ड के पास वो डेटा भी होता है। तो ओवरऑल एवरेज अगर हम 35 लाख बच्चों का करेंगे तो ओवरऑल जो 202 हमारा आया है वो औसत कहीं 140 पे जाके गिरेगा। बात समझने की प्रयास करिएगा। तो 23 में ये एवरेज गया 196, उसके बाद ये एवरेज कितना गया, ये आपका एवरेज गया यहां पे अगले 24 तारीख को एवरेज गया 201। सोचिए 5 नंबर का फर्क अगले दिन तुरंत पड़ गया। क्यों? क्योंकि बच्चे ने एनालिसिस और पेपर सॉल्यूशन देख लिया, उसे आइडिया लग गया किस प्रकार से पेपर देना और पेपर किस प्रकार से सॉल्व करना है। लगभग 5 से 6 नंबर औसतन बच्चों को क्या मिला है, फायदा मिला है। उसके बाद अगर हम लोग कितने 25 तारीख को देखें तो 25 तारीख में, अब 24 और 25 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। देखिए कहां, अगर 24 की बात करें तो 24 में बच्चे का औसत कितना है, 201.84, और अगर 25 में देखें तो 201 ही है, बट 84 की जगह थोड़ा
ज्यादा, 201.37 क्या है, 3.7 है, यहां पे एवरेज थोड़ा और भी कम हुआ है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भाई जो 25 तारीख का पेपर था वो थोड़ा सा, ये भी मान के चलो कि 25 के सेकंड शिफ्ट का पेपर कठिन था, जिसकी वजह से पूरे 25 के डेट को देखा जाए तो यहां पे थोड़ा सा कम आया है। तो यहां पे आइडिया आपको लग रहा होगा कि किस दिन कौन सा शिफ्ट कठिन, अब शिफ्ट वाइज मैं डेटा आपको नहीं दे रहा, वो भी लेके आऊंगा जब मेरे पास बहुत सारे आंकड़े आ जाएंगे, इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि आप लोग गूगल फॉर्म भरिए कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा आंकड़े हो। अगर मुझे प्रत्येक शिफ्ट के, अगर 10 शिफ्ट है, हर शिफ्ट में ज्यादा नहीं 2,000 बच्चा मिल गया, कुल मिला के 20,000 तक आंकड़ा, 20,000 के 10,000 के आसपास पहुंच गया, तो यकीन मानिए मैं बिल्कुल सटीक एनालिसिस आपको दे दूंगा। और यह आपका कितना है, 201.37, मतलब 25 बढ़ेगा, 23 से 24 में खूब तेजी से एवरेज ऊपर चढ़ा, और 24 से फिर 25 में क्या आया, थोड़ा सा नीचे आया, और 25 के बाद अगर हम लोग 30 तारीख का अगर एवरेज देखेंगे, या आप देख लो ये सारी डेट, ये सारी डेट 30 वाली है, दोनों शिफ्ट को मिला के मैं ये सारे 30 तारीख वाले बच्चों का आंकड़ा बता रहा हूं, और यहां पे अगर आप एवरेज देखोगे तो यहां पे एवरेज 202 गया है। मतलब अब जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे एवरेज बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग 31 तारीख की बात करें, ये सारे बच्चों को मैं 31 तारीख वालों की कर रहा हूं, और 31 तारीख में ये औसत कहां पहुंच गया, 208। अब आप कंपेयर करो कि 23 तारीख में औसत 196-195 और यहां पे औसत कितना है, 208 है, मतलब 13-14 नंबर का औसतन फर्क है। पहले दिन और अंतिम दिन तो नॉर्मलाइजेशन तो गेम खेलेगा, लेकिन अगर ओवरऑल औसत में 13 ही नंबर है तो 30-40 नंबर औसतन नॉर्मलाइजेशन में नहीं बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, 12-13-15 बढ़ेगा, और कम भी होगा तो 2-3 कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, वो मैं आपको नॉर्मलाइजेशन वीडियो में समझा चुका हूं। अब यहां पे आते हैं कि 31 में 208 क्यों बढ़ा, वैसे 202 से 208 पहुंच गया इस कारण से क्योंकि 31 की पहली शिफ्ट तो क्या थी, आसान थी। 31 की पहली आसान मैं नहीं बोलूंगा, अभी ऐसे नहीं बोल सकता हूं आसान थी या कठिन थी, बट सॉरी मैं 30 की बात करूं, 31 नहीं, अगर यहां पे देखा जाए तो 30 में कहां है वो 205। ये 30 का औसत हमारा कितना आया था, 30 का औसत, क्योंकि जब 25 को 201 औसत पहुंच गया था तो 3-4 दिन का गैप मिला था, और 3-4 दिन के गैप के बाद 30 तारीख का औसत 201 की बजाय 203-4 जाना चाहिए था, लेकिन औसत 203-204 नहीं गया। अगर आप 30 का औसत देखोगे तो 30 का औसत 202.94 ही गया, ये अगर आप डेट देख लो यहाँ पे 30 का औसत 202.94 गया, जबकि 31 का औसत 200 कितना गया है, 200 आपका 5 गया है। अब आप समझने का प्रयास करिएगा, अगर हम लोग 31 का औसत देखें, 31 के सारे शिफ्ट का औसत देखें, तो ये औसत कितना गया है, 208 गया। तो इतना अंतर कैसे हो गया, इसका मतलब कि 30 की कोई शिफ्ट बहुत कठिन थी। हाँ कठिन थी, इसलिए क्योंकि जो 30 का सेकंड शिफ्ट था उसमें बहुत ज्यादा क्या थे, क्वेश्चन गलत थे, और जिसकी वजह से बच्चों के स्कोर बहुत कम आए हैं, और यही एनालिसिस तो सब कुछ बता देती है। आप मुझसे कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, कोई संस्थान कुछ भी बोले, बट जो आंकड़ा है वो आंकड़ा सब कुछ बता देता है। अब अगर 30 की पहले शिफ्ट का आंकड़ा देखोगे तो इसका औसत 205 है, जबकि 30 के सेकंड शिफ्ट का औसत देखोगे, यही देखो आप 30 तारीख है और 30 के सेकंड शिफ्ट का अगर आप औसत देखोगे तो इसका औसत कितना है, मात्र 200 है, यानी कि ये 24 तारीख के शिफ्ट से भी क्या है, कम है, जबकि ये 31 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो कितना ज्यादा बच्चों को यहां पे नुकसान हुआ है, औसतन 10 से 12 नंबर का नुकसान हुआ है। तो भर्ती बोर्ड कहता है कि परेशान ना हो, इसका हम क्या करेंगे, इसका भरपाई करेंगे, लेकिन अगर वो टाइम बर्बाद ना किया होता तो शायद 10 की जगह उसके 20 नंबर ज्यादा होते, ये बात कौन समझाएगा, यही बात तो भर्ती बोर्ड को समझ में नहीं आ रही। लेकिन फिर भी भर्ती बोर्ड ने इसके लिए प्रक्रिया एक निकाला है नॉर्मलाइजेशन, और दूसरा निकाला है बराबर नंबर का, और वो फॉर्मूले से मैं सब कुछ आपको समझा दे रहा हूं अगले 2 मिनट में। तो यहां पे देखेंगे, बोला गलत प्रश्न की वजह से समय बर्बाद हुआ, बिल्कुल सही बात है, इसलिए नंबर कम हुआ। उसके बाद समय की भरपाई कौन करेगा, ये भी बात है, इन्होंने बोला हम फॉर्मूला दे रहे हैं, उस फॉर्मूला को भी समझ लेते हैं। अटेम्प्ट करने और तुक्का लगाने वालों में क्या अंतर, सही बात यह है कि सपोज करो 30 की सेकंड शिफ्ट की बात करें, 6 प्रश्न गलत हो गए। अब वो 6 प्रश्न, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो हो सकता है वो 6 प्रश्न तुक्का मारे हो, 6 प्रश्न तुक्का मारने पर अब तो उन्होंने टाइम नहीं बर्बाद किया, लेकिन उनको भी बराबर नंबर मिल जाए। और ऐसे में जो ऐसा भी बच्चा होगा 6 की 6 प्रश्न अटेम्प्ट किया होगा, उसके पीछे उसके 10-15 मिनट बर्बाद हुए होंगे और उसको भी उतने ही नंबर मिल रहे हैं, तो दोनों के साथ अनफेयर है ना। उस बच्चे का जो 10-15 मिनट बर्बाद हुआ उसका हिसाब कौन देगा, और इसीलिए कभी बराबर नंबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो नॉर्मलाइजेशन और एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं होता, लेकिन जब कभी शिफ्ट में क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। और लास्ट में मेरा इतना स्कोर है क्या करें, तो स्कोर आप लोग अपना कमेंट करिए, बाकी मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं फॉर्मूला से, देखते हैं कि जो आपका फॉर्मूला उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड वाला फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूले में भर्ती बोर्ड क्या कह रहा है कि भाई जितना आपने अटेम्प्ट किया है, इस फॉर्मूले के देखो एक एक चीज, इसलिए मैं वीडियो
वीडियो मेरी 5-10 मिनट थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बट अगर वीडियो आप टोटल देखोगे तो यकीनन आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको एक राहत की सांस मिलती है। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे इसने दिया है कि सही उत्तर गुणे निर्धारित अंक गुणे सही प्रश्नों की संख्या। मतलब अगर किसी शिफ्ट में आपके सपोज करो कि आप 150 प्रश्न टोटल थे, सपोज के करने 150 प्रश्न थे, इसमें से मैं मान रहा हूं 30 की सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन गलत हो गए, तो टोटल जो सही प्रश्न बचे, सही प्रश्नों की संख्या बची 144। और मान लो किसी बच्चे ने क्या किया, किसी बच्चे ने टोटल 140 अटेम्प्ट कर दिए। मान लो 140 अटेम्प्ट में मान लो उसके क्या है, 100 करेक्ट हैं। और फिर मान के चलिए कि इसके कितने हो गए हैं, इसके 30 इनकरेक्ट हो गए हैं। 30 क्या हो गए हैं, 30 इनकरेक्ट हो गए। तो अगर 100 करेक्ट हैं और 30 अनकरेक्ट हैं, हाँ, अगर ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, 100 करेक्ट है, ठीक है, 100 करेक्ट है और 30 इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसका सही उत्तर कितना है, तो सही उत्तर इसका 100 किया जाएगा और फिर गुणे 2 किया जाएगा, यानी उसको जो प्रत्येक की वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, 200/144 मिलेगा। मतलब ये नहीं कि दो नंबर तो नहीं हो रहा ना, दो नंबर से उसे कम मिल रहा है। यही मैं आपको फॉर्मूले से समझा रहा हूँ बेटा, कि अगर आपको एक एनालिसिस ले लिया जाए कि यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करती है फॉर्मूले में, सभी को बराबर नंबर नहीं मिलेगा। पहले केस में मान लो 150 क्वेश्चन था, उसके बाद एक क्वेश्चन का दो नंबर था, 120 उसने सही किया, 20 मान लो गलत किया और 6 क्वेश्चन गलत होंगे, तो उसको जो एक क्वेश्चन का नंबर मिलेगा 1.66 मिलेगा, ना कि दो नंबर मिलेगा। दूसरी दशा में मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया कि सपोज करो उसने 100 क्वेश्चन सही किए और 40 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए, 10 नहीं किए, कुल 140 अटेम्प्ट किए और 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट था, तो 144/200 यानी एक प्रश्न का 1.3889 ही मिलेगा। तो जिसकी एक्यूरेसी जितनी ज्यादा रहेगी उसको नंबर डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा मिलेगा, जिसकी एक्यूरेसी जितनी खराब रहेगी उसको हो सकता है उतना ही खराब नंबर मिले, जरूरी नहीं कि प्रत्येक को दो नंबर मिले। और यह बहुत बड़ा डाउट है, और इस वजह से उन बच्चों को जिन्होंने मेहनत किया, उस पर समय किया, जाहिर सी बात है उनकी एक्यूरेसी, हालांकि समय बर्बाद का तो हिसाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होगी वही क्या होगा, वही उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो यह बात आप समझते हुए चलिएगा। बाकी आप लोग बोलते हो कि सर कट ऑफ क्या होगा, ये होगा, तो मैं बार बार बोलता हूं बेटा कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख लो। प्रीवियस ईयर कट ऑफ को बहुत मैटर तो नहीं रखता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको ये गूगल फॉर्म का आंकड़ा भरना है। मैं ऐसे नहीं बता सकता, इसीलिए मैं जो आपको पूरा रिजल्ट आपका कट ऑफ बताऊंगा वो मैं 5 सितंबर को बताऊंगा, शिक्षक दिवस बताऊंगा। आपको अपने नंबर कमेंट करने, और गूगल फॉर्म इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, आप गूगल फॉर्म जरूर भरिए, अपने दोस्तों से भरवाइए, ताकि मैं एक बहुत बेहतरीन एनालिसिस आप सभी को दे पाऊं। बाकी अन्य टीमें देखेंगे होंगे कि ना ही आपको इतना ध्यान दे रहे हैं, ना ही आपको इतना चीजें क्लियर कर रही हैं, बस उनको फीस लेना था, फीस लेके अलग हो गई, अब वो अपना SSC निकाल रहे हैं, बैच नया चैनल खोल रहा है, कोई नया अपना UPSI का बैच लॉन्च कर दिया, कोई अपना नया UP पुलिस का बैच लॉन्च कर दिया। भाई जब आएगी वैकेंसी तो आप खुद ही बैच के लिए जाओगे, मेरे कहने से तो बैच नहीं जुड़ोगे। इसीलिए मैं आपको यहां पर बस इतना बता रहा हूं कि UPSI की 5000 वैकेंसी ये हो सकता है पहले आए, और जो आपके कांस्टेबल की वैकेंसी इसके बारे में सूचना दूंगा। अभी कल ही योगी जी ने 40000 की बात किया है, लेकिन वो वैकेंसी मार्च अप्रैल में आएगी, अभी नहीं आएगी, अगले मार्च अप्रैल में आएगी 2025 के। तो चलिए फिर मिलता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। आपको वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट अवश्य किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद सभी का।